तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। गदर 2 नाम का तूफान किसी से रोके नहीं रुक रहा है। हाँ जी, मैं तूफान ही कहूँगा। द मॉन्स्टर गदर 2 सामने OMG 2 और जेलर जैसी धमाकेदार मूवी होने के बाद भी गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, आफ्टर पठान भाई मान गए। ऐसा लग रहा है ये वही दौर आ गया जब 2001 में सेम ऐसी खलबली मची थी मूवी देखने के लिए। थिएटर के बाहर लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते थे, लोग मूवी देखने के लिए चार चार घंटे पहले ही चले जाते थे ताकि सीट मिल जाए। जी दोस्तों, और मूवी सुबह 6 बजे से कल थिएटर में रिलीज कर दी गई थी भाई। अमेजिंग, मज़ा आ गया। इसे कहते हैं क्रेज, इसे कहते हैं वो स्ट्रांग लव बॉन्ड एंड इमोशन। वाकई में दोस्तों गदर मूवी नहीं है, एक इमोशन है। दोस्तों अपने पहले ही दिन एडवांस बुकिंग से 23 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन करके इसने साबित कर दिया कि यह मूवी इतिहास लिखने वाली है। जी हां दोस्तों, अपने पहले दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस से 42 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था। इसी के साथ दोस्तों ऑल इंडिया ग्रॉस और पूरी दुनिया को मिलाकर मूवी ने लगभग 49 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा था। अगर OMG 2 से इसका क्लैश नहीं होता तो शायद यह आंकड़ा हमें 62 से 65 करोड़ के आसपास देखने को मिलता। जी दोस्तों, नो डाउट जनता ने दिल ठोक के बता दिया कि सनी पाजी वी लव। और क्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग रही है भाई, मजा आ गया। आफ्टर पठान इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है गदर 2। बात करें आज यानी डे 2 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस पब्लिक की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बाद और बाकी के यूट्यूबर से एवरेज रिव्यू मिलने के बाद मूवी ने आज दूसरे दिन भी अच्छी खासी ग्रोथ अपने खाते में रखी है। जी दोस्तों, जनता गदर को भर भर के प्यार दे रही है। फैमिली टुगेदर ऑडियंस फर्स्ट चॉइस है गदर 2 और लोग भरपूर मजा भी ले रहे हैं फिल्म का। जी दोस्तों, आज सेकेंड डे में 14 करोड़ की एडवांस कलेक्शन अपने खाते में रखते हुए मूवी एंड ऑफ द डे तक 35 से 38 करोड़ का बिग कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया से अपने खाते में रखते नजर आएगी। इसी के साथ दोस्तों पूरी दुनिया से मूवी आज सेकंड डे में लगभग 44 से 45 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखते नजर आएगी। और पहले 2 दिन में इंडिया से लगभग 75 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखते नजर आएगी और पूरी दुनिया से 100 करोड़ का आंकड़ा टच करते नजर आएगी अपने एंड ऑफ द डे तक। दोस्तों अमेजिंगली मूवी काफी अच्छी ग्रो कर रही है, लोगों की पुरानी यादें फिर से ताजा हो रही हैं और लोग एक फेस्टिवल की तरह मूवी को देखने भी जा रहे हैं और सनी पाजी को काफी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी गदर 2 को देख लिया है तो आपको मूवी कैसी लगी और क्या गदर 2 500 करोड़ का बिजनेस कर भी पाएगी या नहीं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।